इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में रहनुमाओं को कहा, अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें। वज़ीर आज़म को ज़ाती हमलों पर गुस्सा, बोले ये मुहिम घटिया और नाकाबिल बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी ख़तरनाक है, इस रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम। हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। लेकिन तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। अजीब सा माहौल बना हुआ है, तमाशा चल रहा है, हम सियासी लोग हैं, कोई मिलने आता है तो वेलकम करते हैं। मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कहा, हमारा आपसे ताल्लुक़ निभाने के लिए बना है, पीटीआई वालों को कह दें आपने घबराना नहीं। वज़ीर आज़म का जवाब में चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, कहा तहरीक इंसाफ को ट्रेनिंग मैंने दी है, हमारे कारकुनान को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो घबराए हुए हैं उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया है। आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। नवाबशाह में ज़मीन के झगड़े पर एक ही बरादरी के 5 अफराद और SHO का कत्ल, वर्सा का लाशों के हमरा कौमी इशारा पर धरना दूसरे रोज़ भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, मुजाहरीन का मुखालिफ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और ज़मीन खाली करवाने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख ने कत्ल का इल्ज़ाम अली हसन जरदारी पर लगा दिया। और उन्हें मारा किसने है? जरदारियों ने, अली हसन जरदारी के बंदों ने फायरिंग करके मार दिया, एक पुलिस वाले को भी शहीद कर दिया, सब इंस्पेक्टर को। और अलमिया क्या, खुर्रम भाई के लाशें उठाने नहीं दी। और सिंध में गैस की कमी का केस, सिंध हाईकोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी बराए तवानाई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स ये, किसी सेक्रेटरी को आईन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है? सेक्रेटरी बराए तवानाई को 2 हफ्तों में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म, सेक्रेटरी बराए खजाना भी तलब।